हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा, लीगल एडवाइजर एट लेक्सिस एंड कंपनी। सो एज वी वर डिस्कसिंग टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, विच लाइक वी हैव डिस्कस आर्टिकल 1, द आर्टिकल 2 एंड 3। नाउ वी विल डिस्कस द आर्टिकल 4। तो बेसिकली आर्टिकल 4 क्या बोलता है, उसका लाइक डिस्क्रिप्शन क्या है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो जो आर्टिकल 4 है, इज स्टेट दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है आर्टिकल 4 का कि कोई भी लॉ रेफर हुआ है इन आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में, वो कंटेन करेगा उन प्रोविजंस को फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव अफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस, लाइक वो सारे प्रोविजन लाइक इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट और स्टेट अफेक्टेड बाई सच लॉ एज लाइक पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दैट आर्टिकल इज नो सच लॉ एज लाइक अफॉरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। यानी जो आर्टिकल 368 है हमारा, जो भी इसमें ऊपर वाले प्रोविज़न में कहा गया है कि वो लाइक जो भी अगर चेंजेस होंगे प्रोविज़न में, अमेंडमेंट होगी हो सकते हैं, तो दैट मीन कि जो हमारा आर्टिकल 360 है उस पे इस अमेंडमेंट का कुछ भी लाइक कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एज एन आप ऑब्वियसली हमारे उसमें है कि हम 368 को अमेंड नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।